तो हेलो, कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस गाइस गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में कहा था कि अगर हमारी उस वीडियो पे 2000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो मैं आप लोगों को अपने बिल्डर बेस का लिंक दे दूंगा। सो गाइस, लाइक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आप लोगों को इस बेस का लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। एनीवेज गाइस, आज हमारे पास एक बिल्डर फ्री है एंड आप लोग यहाँ पे गोल्ड देख सकते हो, एलिक्सर देख सकते हो, डार्क एलिक्सर देख सकते हो, सब कुछ हमारा गाइस यहाँ पे ओवरफ्लो कर रहा है। लेकिन बुरी बात यह है, डार्क एलिक्सर को हम लोग यूज नहीं कर सकते। एनीवेज, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलिक्सर को यूज करते हैं वॉल्स के ऊपर। सो ये अपनी सेकंड वॉल, ये गई अपनी थर्ड वॉल, ये गई अपनी फोर्थ, अरे रुको, हाँ फोर्थ वॉल एंड ये गई अपनी फिफ्थ वॉल एंड एक और, नहीं यार एक और नहीं कर सकते। सो मैं वॉल ऑफ रिंग्स को यहाँ पे यूज कर देता हूँ एंड टोटल हम लोगों ने अभी 6 वॉल्स अपग्रेड कर ली। एंड एक और मैं ट्रीजरी चेक कर लेता हूँ, कलेक्ट कर लेते हैं इसको, क्या हमारे पास एलिक्सर, नहीं यार एलिक्सर नहीं हो पाया। एनीवेज अभी हम लोग यूज करते हैं गोल्ड को। सो ये गई हमारी 7th वॉल एंड एक और कर सकते हैं। सो ये गई हमारी 8th वॉल, 8 वॉल्स हम लोग ने यहाँ पे कर ली, एक और कर सकते हैं क्या, रुको इससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ एंड हाँ ओके एक और वॉल कर सकते हैं। एंड ये गई गाइज हमारी 9th वॉल। सो 9 वॉल्स गाइज हम लोग ने यहाँ पे अपग्रेड कर ली एंड अभी हम लोग लगा देते हैं अपने आर्चर टावर को अपग्रेड के ऊपर। रुको, उससे पहले हमारे पास यहाँ पे एक हैमर ऑफ बिल्डिंग है, उसको मैं इस वाले आर्चर टावर के ऊपर यूज कर लेता हूँ। एंड ओके गाइस, ये वाला आर्चर टावर भी यहाँ पे मैक्स आउट हो गया एंड अभी गाइस हमारा बेस यहाँ पे तकरीबन मैक्स आउट हो चुका है। अगर मैं डिफेंसिस की बात करूं तो हम लोगों ने मैक्सिमम डिफेंसिस यहाँ पे मैक्स आउट कर लिया है। ए डिफेंस से लेकर के स्कैटर शॉट, इन्फर्नो टावर से लेकर के विजार्ड टावर, कैनन्स तक को हम लोगों ने यहाँ पे मैक्स आउट कर लिया। अभी हमारे पास बसता क्या क्या है, एक तो गाइज हमारे पास बसता है बॉम्ब टावर्स एंड सेकंड से यहाँ पे बसते हैं मोटार्स। एंड लैबोरेटरी की बात करूं तो लैबोरेटरी भी यहाँ पे बहुत जल्दी मैक्स आउट होने वाली है, 6 घंटे 45 मिनट के बाद हमारी लैबोरेटरी यहाँ पे मैक्स आउट हो जाएगी। खैर छोड़ो, अभी हम लोग अपने लास्ट बचे आर्चर टावर को अपग्रेड के ऊपर लगा देते हैं एंड 15 दिन लगने वाले हैं भाई साहब इसको, तो इसको लगा दिया हम लोगों ने अपग्रेड के ऊपर एंड मास्टर बिल्डर आ रहा है यहाँ पे इसको अपग्रेड करने के लिए। सो गाइज, मेरा अभी आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने अपने सारे के सारे आर्चर टावर्स एक साथ अपग्रेड के ऊपर लगा रखे हैं, ऐसा क्यों? पहले हम लोगों ने विजार्ड टावर को लगाया था, सारे के सारे एक साथ लगाए थे, ए डिफेंस को लगाया था, सारे के सारे एक साथ लगाए थे, कैनन्स को लगाया था, ये भी सारे के सारे एक साथ लगाए थे, ऐसा क्यों? क्यों भाई सब क्यों? क्या मैं अकेला ही हूँ जो ऐसा करता है या फिर आप लोग भी ऐसे ही करते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। खैर छोड़ो गाइस, क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, हम लोग गाइस यहाँ पे डिमोड हो चुके हैं, लीजेंड लीग से टाइटन 1 में आ चुके हैं। ओ भाई साहब, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल गाइस, हम लोगों ने लास्ट डे लीजेंड लीग में अटैक किया ही नहीं, एक भी अटैक नहीं किया, एक दिन 6 घंटे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा लास्ट अटैक था। सो गाइस, अभी अपने को एक और फिर से फटाफट से लीजेंड लीग में जाना है एंड उसके लिए अपने को अटैक्स करने पड़ेंगे। एंड इस बार हम लोग कौन सी अटैक्स यूज कर रहे हैं, इस बार गाइस हम लोग यूज कर रहे हैं ये टी बो बैट एंड ये वाली अटैक्स मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता हमारे अटैक्स कैसे जाने वाले हैं लेकिन मजा बहुत आने वाला है। सो लास्ट तक जरूर देखना वरना आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाओ, ग्रे कर दो, दबाओ यार, दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाना और भी ज्यादा जरूरी है। आज की इस वाली वीडियो पे लाइक एम करते हैं 2000 लाइक्स का, सो लाइक एम भी कंप्लीट करवा देना एंड हाँ गाइस यार कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, सुस्वागतम, अभी हम लोग आक्रमण के ऊपर चलेंगे एंड अभी अपने को अपने दुश्मन का किला उड़ाना है, फतेह हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ये काले बादल अभी हटने का नाम नहीं ले रहे और ये हमें बहुत ही ज्यादा चिंतित कर रहे हैं। आखिरकार ये काले बादल यहाँ पे समाप्त हुए और दुश्मन का किला अपने को यहाँ पे मिल चुका है। इस किले के ऊपर हम लोग यहाँ पे अटैक करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारे दुश्मन ने बहुत सारी तोपें लगा रखी है, उड़ती हुई चिड़िया जिसका नाम है ईगल आर्टिलरी, वो भी यहाँ पे उस बंदे ने लगा रखी है, जो कि अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। न्यू डिफेंसिस जिनका नाम है स्कैटर शॉट, ये भी हमारी सेना को बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। सो अभी हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने मंत्री यानी कि अपने वार्डन को यहाँ पे डालते हैं एंड इनके पीछे से आ जाएंगी सुंदर सुशील अप्सराएं एंड अभी अपने को यहाँ पे वेट करना है कि यार अच्छा सा फनल यहाँ पे बन सके। एक कोकोलून भी हम लोग ने यहाँ पे डाला, यहाँ पे आ जाएगा अपना बेबी ड्रैगन एंड अभी अपने को यहाँ पे फनल क्रिएट करना है, अपने को इगलाटी यहाँ पे डाउन करनी है एंड हो सके तो अपने को टाउन हॉल यहाँ पे मिल जाए ना तो और भी हमारे लिए सही रहेगा। सो अभी अपने को यहाँ पे किंग भी डालना है अपने महाराजा को एंड ये क्या हो रहा है भाई, एक ब्लैक एयर माइन सीधी हमारी अप्सराओं की तरफ बढ़ती जा रही है और एक अप्सरा हमारी मृत्यु को प्राप्त हुई। खैर छोड़ो, यहाँ पे आ जाएगा अपना महाराजा यानी कि अपना बारबेरियन किंग एंड अभी जैसे यहाँ पे फनल बन जाएगा
हम लोग डाल देंगे अपने सारे के सारे येटीज को, पीछे से आ जाएंगे अपने सारे के सारे बॉलर्स, क्वीन आ जाएगी यहाँ पे, एंड वॉलब्रेकर भी अपने को करनी है। सारे के सारे लूंस डाल दिए, वॉलब्रेकर से यहाँ पे डाल दिए, एंड यहाँ पे आ जाएगी अपनी पहली रेस फेल। एंड क्या वॉलब्रेकर से यहाँ पे फेल हो चुके हैं, ऑफकोर्स वार्डन कैलबरी हम लोग यहाँ पे यूज कर दी। सीसी से यहाँ पे वॉल कैरीज निकली है, उनको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइजन। एंड अभी हमारे पास जो रेस फेल बची हुई है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड उम्मीद करते हैं यहाँ पे टाउन हॉल डाउन हो जाए, क्योंकि अगर टाउन हॉल यहाँ पे डाउन नहीं हुआ तो अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। वार्डन अपना यहाँ पे डाउन हो चुका है, एंड हमारे पास अभी बैट स्पेल बचती है एंड रॉयल चैंपियन बचती है। सो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अपने सारे के सारे बैट स्पेल। विजार्ड अब यहाँ पे डाउन हो चुका है, एक स्कैटर शॉट को अपनी क्वीन डाउन कर लेगी। अच्छी बात ये है जो स्कैटर शॉट है वो अपनी क्वीन के ऊपर टारगेट कर रहा है, सो वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट है, एंड अपना बैट यहाँ पे काम करते रहेंगे। एंड यहाँ पे क्या यूज करूँ, ऐसा करते हैं स्टोन स्लैमर यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टोन स्लैमर, क्वीन की एबिलिटी, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी 62% हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया, एंड फ्रीज पहले हमारे पास बची हुई है, आई थिंक इनकी जरूरत है ही नहीं अपने को। एंड विजर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि बाद में टाइम का इशू ना हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे कैनन है, इसको मैंने देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तीन फ्रीज पहल अभी भी हमारे पास यहाँ पे बची हुई है, एंड बैट्स पहले यहाँ पे बहुत सारे हैं, यानी कि फ्रीज पहल का अपने को कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्वैग कर देते हैं। एंड बड़ी ही आसानी के साथ हम लोग ने इस बेस को 3 स्टार निकाल लिया। लूट अपने को सारे की सारे मिल चुके हैं, ट्रॉफीज अपने को यहाँ पे 25 मिल जाएंगी, नॉट बैड। मुझे लगा नहीं था यार अपने को इतनी ज्यादा ट्रॉफीज मिलेंगी, वो भी टाइटन 1 में। सो अभी हम लोग अपने सेकंड अटैक के ऊपर चलेंगे। सो गाइस अभी अपने को ये वाला बेस मिला है, एंड काफी फेमस बेस है ये वाला टाउन हॉल 13 का, लीजेंड लीग में भी काफी कॉमन है, लेकिन अभी अपने को ये टाइटन 1 में मिला है। एंड हम लोग यहाँ पे बैट अपलिम को यूज करने वाले हैं, क्योंकि टाउन हॉल जो है वो इस बंदे ने काफी अंदर रखा है, सो इसके लिए अपने को बैट अपलिम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग ऐसे करते ना, सारे के सारे सिंगल टाइटन इन्फर्नोज है यहाँ पे, सो सबसे पहले मैं अपना वार्डन यानी कि अपने मंत्री को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। पीछे से आ जाएंगी हमारी अप्सराएं, ताकि हमारा जो मंत्री है वो वीर गति को प्राप्त ना हो, उसे मृत्यु ना मिले। एंड अभी अपने को जस्ट यहाँ पे वेट करना है कि अपना वार्डन यहाँ पे अच्छे से फनल बना दे। एंड ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ, ये रेड एयर माइंस कभी ब्लैक एयर माइंस सीधा हमारी हीलर्स के पास जाती हैं, एंड कोई बात नहीं, चलो दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई, फनल यहाँ पे जैसे बन जाएगा। एंड इस बंदे ने यहाँ पे न्यू डेकोरेशन अनलॉक कर रखी है, हम लोगों ने भी कर ली, एंड शायद आप लोगों ने भी अनलॉक कर लिया होगा एंड क्लेम भी कर लिया होगा। एनीवेज गाइस अभी हम लोग अपने बार्बियन किंग को डालेंगे, रुको अभी यहाँ पे फनल नहीं बना अच्छे से, जैसे यहाँ पे अच्छे से फनल बन जाएगा हम लोग अपने किंग को डाल देंगे। यहाँ पे येटी आ जाएगा एक, ओके यहाँ पे किंग आ जाएगा, किंग की एबिलिटी यूज कर देता हूँ क्योंकि सामने है सिंगल टारगेट इन्फर्नो, सारे के सारे येटीज, बॉलर्स, क्वीन आ जाएगी यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाएंगे अपने वॉलब्रेकर्स। एंड यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं पहली रेस पहल, कमोन कमोन, एंड अरे भाई साहब वॉलब्रेकर्स ने अपना काम यहाँ पे कर दिया। क्या अंदर वाली लेयर भी टूट सकती है यहाँ पे, रुको एक बार देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा अपना बैट अप लिंप, एंड यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं अपने वार्डन की एबिलिटी, एंड जो भी अपना बैट अप लिंप है वो सही सलामत पहुंच जाएगा टाउन हॉल के पास, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। एंड कमोन, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा अपना बैट अप लिंप, एंड टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे स्कैलीज वहाँ पे निकले हैं, शायद अपने येटीज को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। एंड अभी हमारे पास रॉयल चैंपियन है, रॉयल चैंपियन को मैं कहाँ पे डालूँ, ओ भाई साहब टाउन हॉल यहाँ पे डाउन नहीं हुआ, तो ऐसा करते हैं ना रॉयल चैंपियन को अपने को शायद टाउन हॉल के लिए डालना पड़ेगा। नहीं, अपना किंग वहाँ पे चला गया, सो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आ जाएगी अपनी रॉयल चैंपियन, एंड इस तरफ आ जाएंगे अपनी बैट स्पेल। ओ माय गॉड, हमारे पास सिर्फ 3 ही बैट स्पेल है, ये चीज़ तो मैंने देखी नहीं, 3 बैट स्पेल के साथ क्या ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल सकता है। अभी हमारे पास 3 फ्री स्पेल भी बची हुई है, सो क्या करें भाई, 3 बैट स्पेल के साथ अटैक करना पड़ रहा है। एंड अभी अपने को फ्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे ए डिफेंस को, वरना ए डिफेंस अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। विजार्ड टावर को भी कर देते हैं साथ के साथ, एंड एक बार फिर से फ्रीज करना पड़ेगा विजार्ड टावर को, एंड एक बार फिर से फ्रीज करना पड़ेगा विजार्ड टावर को। एंड अपनी बैट्स यहाँ पे मरने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बैट्स यहाँ पे मरे तो अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बचे हुए लूंस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, विजर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड 69% यहाँ पे निकल चुका है, 71%। एंड ओके गाइस ये अटैक यहाँ पे 3 स्टार निकल गया, बैट्स ने बचा लिया भाई अपने को। ओह माय गॉड, सिर्फ 3 बैट स्पेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे इस वेस को 3 स्टार निकाल लिया, अगर 5 होती तो शायद हम लोग यहाँ पे फ्री स्पेल का स्वैग भी कर देते। तो यार ये वाला अटैक भी यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ 3 स्टार निकल गया, एंड बहुत अच्छी अटैक चाहिए है। एक बार मैं वॉर में यूज करूंगा इसको, एंड देखते हैं वॉर में अपने को कैसे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे पास एक पॉइजन स्पेल बची हुई है, उसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे स्वैग। रुको यहाँ पे डालता हूँ अपने हीरोज के ऊपर, अपनी क्वीन एंड वार्डन के ऊपर। एंड रुको यार एक चीज़ तो मैंने देखी नहीं, हमारे पास जो अपने को न्यू स्किन मिली थी वार्डन की,
हम लोग उसको क्यों नहीं यूज कर रहे, सो ऐसा करते ना उसको यूज करते हैं पहले एंड ताकि मैं बाद में उसको ना भूल जाऊं। सो फटाफट से अपने वार्डन के पास चलते हैं एंड ओके सो यहाँ पे आ जाएगी इसकी स्किन। हम लोगों ने यह चीज पहले नोटिस ही नहीं की एंड भाई चाबी देख रहे हो यहाँ पे इसके पिछवाड़े में चाबी, बहुत अच्छा लग रहा है वार्डन यहाँ पे एंड बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे लीजेंड लीग में चले जाएंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 1% वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.